चलिए बात करते हैं भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में कल से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने वाला है। हिंदुत्व के रंग में रंगे हुए नजर आएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। कमलनाथ मंदिर में पूजन कर अभियान की शुरुआत करेंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण स्वास्थ्य वाचन के बीच शुरू होगा अभियान। पूजन के बाद जुलूस और सभा भी आयोजित होगी। राजधानी के मुगलिया छाप से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, कांग्रेस अब हार्ड हिंदुत्व अपनाने जा रही है, क्या लगता है, क्या कुछ फायदा इससे कांग्रेस को होगा? देखिए, जिस तरीके से जो इमेज का परिवर्तन जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का होगा, तो कहीं ना कहीं तौर पर लाभ जो है ये चुनाव में मिलेगा। हालांकि आज से हाथ जोड़ अभियान की शुरुआत कल से होने जा रही है, और ये जो कार्यक्रम आगे दिया जाएगा, तो इससे पहले इसकी शुरुआत में हिंदुत्व के रंग में रंगे हुए कमलनाथ भी नजर आएंगे। कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो मुगलिया छाप में स्थित हनुमान मंदिर पर पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले इस पूरे अभियान के शुरुआत से पहले पूजन अर्चन कार्यक्रम होंगे, और उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ स्वस्थी वाचन के बीच अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस पूरे अभियान की शुरुआत करेंगे, और इस अभियान की शुरुआत में पूजन तो करेंगे, साथ ही साथ जुलूस और सभा को भी संबोधित करते हुए कमलनाथ नजर आएंगे। जनता के बीच में पहुँच कर हाथ से हाथ जोड़ने की अपील करेंगे। साथ ही साथ जब ये अभियान का आगाज होगा, कोशिश कांग्रेस की यही है कि जो दो से ढाई महीने तक ये अभियान चलने वाला है, उस अभियान के माध्यम से जन जन तक पहुँच कर चुनाव को लेकर और जिस तरीके से 15 महीने में जो कामकाज किए गए उसको लेकर, इसके साथ ही कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस से जुड़ने को लेकर लोगों से अपील करेंगे, और बड़ी संख्या में लोगों को कांग्रेस से जुड़ने का काम दुष्यंत ये भी जानना चाहेंगे, अगर चाहे बात करें कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की या फिर भाजपा के विकास यात्रा की, जिस तरह से मध्य प्रदेश में यात्रा पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, क्या लगता है इसके सहारे क्या कांग्रेस बीजेपी को सत्ता की चाबी मिलना आसान होगी? देखिए, सत्ता की चाबी किसको मिलती है या किसको सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है, ये तो सर विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से काम लगातार कर रहे हैं, और कोशिश ये भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतों का जो अंतर है वो पाटा जाए। ये तरीके से लगातार ये देखने में आया कि जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो इन चुनावों में मध्य प्रदेश कांग्रेस और भाजपा के बीच में केवल 0.5% वोट प्रतिशत का अंतर था। ऐसे में उस अंतर को और बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा वोट परसेंट जो है वो बढ़े, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कौन कितना सफल होता है ये तो सर चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन ये जरूर है कि अपनी अपनी कोशिशें राजनीतिक दल लगातार कर रहे हैं। बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस जो है वो हाथ से हाथ जोड़ अभियान चलाकर लोगों को जनता को कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जब कांग्रेस के लोग जुड़े तो कांग्रेस को इसका सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव में फायदा ही मिलेगा। बिल्कुल दुष्यंत, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि हार्ड हिंदुत्व की तरफ मुड़ते हुए कमलनाथ नजर आ रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे दुष्यंत, जिस तरह से कल हम देखेंगे कि हनुमान भगवान के कल दरबार से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं अभियान की, और कहीं ना कहीं कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की लकीर खींचते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि इससे जनता का मूड कुछ बदलेगा कांग्रेस के प्रति? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कल से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ अभियान शुरू होने जा रहा है। हिंदुत्व के रंग में रंगे हुए नजर आएंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। कमलनाथ मंदिर में पूजा कर अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ अभियान के शुभारंभ में कांग्रेस का हार्ड हिंदुत्व देखने वाला होगा, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अभियान का श्री गणेश भोपाल के मुगलिया छाप हनुमान मंदिर से करेगी। तो अब देखना होगा जिस तरह से लगातार कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की लकीर खींचने में जुटे हुए हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, हवन पूजा कर रहे हैं, और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को इसका कितना फायदा पहुंचता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।